है दोस्तों, आज की वीडियो तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। वैसे आज मेरे सारे के सारे दोस्त इकट्ठा हो चुके और आज वही गेम खेलने वाले जो हम सबके सबसे ज्यादा फेवरेट गेम है। ओहो, मुझे पता है आज हम वही गेम खेलेंगे जिसका नाम मैजिकल बुक है। मैंने सही कहा ना बहन? अरे हाँ यार, तूने एकदम सही कहा। आज हम मैजिकल बुक में एक बहुत ही बढ़िया करेक्टर बनाएंगे, लेकिन भाई वो करेक्टर ना काफी ज्यादा डरावना करेक्टर है। क्या सही में बहन, वो बहुत ज्यादा डरावना करेक्टर है? अरे हाँ शिनचैन, मैंने तो भाई उसे एक बार ही देखा था, जब से भाई मैं बाथरूम अकेला जाता ही नहीं हूँ। अरे ऐसे मत बोलो बहन, फिर तो तुम उस करेक्टर को रहने दो, उसे बिल्कुल ही मत बनाओ। अरे यार तू टेंशन मत ले यार, अभी तो यहाँ पर दोपहर हो रखी है, दोपहर को हमें डरने की कोई लोड नहीं है। अरे यार डरावनी चीज तो मुझे वैसे नहीं पसंद है, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो हमारी स्कैरी ग्रैनी जितनी डरावना है? अरे यार स्कैरी ग्रैनी तो कुछ ज्यादा ही डरावनी है, वो इतना भी डरावना नहीं है जितनी ये। ए पेन के बच्चे, मुझे डरावनी बोलता है, रुक जा अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। अरे ग्रैनी तू सही में इतनी डरावनी है तो मैं क्या करूँ यार, आजकल तो सच बोलना भी गुनाह है। ओहो इतना भी सच मत बोलो कि तुम्हारी कुटाई हो जाए, वैसे मेरे को सच बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं स्कूल में सच बोलता हूँ मैडम मुझे बहुत मारती है। अरे नहीं यार, सच तो बोलना चाहिए, सच बोलना तो अच्छी बात है। अरे नहीं मैं बिल्कुल भी काम नहीं करता ना, तो मैडम पूछती है तुमने काम क्यों नहीं करा, तो अगर मैं उसे सही सही बता दूंगा तो वो तो मुझे मारेगी ना। जैसे कि अगर मैं उसे बताऊंगा कि मैं सुबह शाम टीवी देख रहा था जिस कारण से मैं होमवर्क नहीं कर पाया, अगर ये बोल दूंगा तो मैम तो मुझे मारेगी ना, इसलिए मैं यहाँ पर झूठ झूठ बोलता हूँ कि मैडम जी मेरे को बहुत जोर के बुखार आ गया था इसलिए मैंने काम नहीं करा। तो यही तो फायदे होते हैं झूठ बोलने के बहन। अरे यार तू और तेरे लॉजिक एकदम ही अलग है। खैर दोस्तों भाई, यहाँ पर आज हम बनाने वाले जोन सा करेक्टर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो फटाफट से हमारी मैजिकल बुक खोल लेते हैं और उसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने खोली हमारी मैजिकल बुक को और यहाँ पर फटाफट से हमारा करेक्टर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन गाइस ये वाला करेक्टर ना बहुत बहुत ज्यादा डरावना है, इसलिए मुझे भाई यहाँ पर फटाफट से लाइक चाहिए ताकि मुझे थोड़ी हिम्मत मिल सके, नहीं तो भाई मेरी यहीं पर ही पैंट गीली हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मेरी पैंट गीली ना हो फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाओ। ओहो ये तो कितना ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन तुम ये बना कह रहे हो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार तुझे इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये करेक्टर काफी मिस्टीरियस करेक्टर है और काफी डरावना करेक्टर है, इसलिए मैंने इसको ढंग से कभी देखा नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे याद है मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अरे यार इतना मत डराओ मुझे, इतना डराओगे तो मैं यहाँ पर सही से गेस नहीं कर पाऊंगा कि तुम यहाँ पर कौन सा करेक्टर बना रहे हो, एक मिनट मुझे सोचने दो। अरे ये करेक्टर तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, वैसे तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो बहन, मुझे थोड़ा सा हिंट तो दे सकते हो? अरे तुझे दिया तो था कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक करेक्टर है, काफी स्कैरी करेक्टर है, अब इससे बड़ा हिंट मैं तुझे नहीं दे सकता। ओहो ये क्या है बहन, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अरे ये भाई इसके लंबे लंबे नाखून है जो इसके हथियार है और इन्हीं से ये सबको मार देता है। अरे क्या इनसे सबको मारता है, कहीं ये रियल लाइफ में आके हमको तो नहीं मारेगा बहन? अरे यार हमको नहीं मारेगा, क्योंकि हम तो इसके दोस्त बनेंगे ना, तो हमको ही नहीं मारेगा, जो उसको छेड़ता है ये बस उसी को मारता है। ओह शुक्र है तुमने मुझे पहले बता दिया, नहीं तो मैं इसे पूछता कि तुम इतने लंबे नाखून क्या करने वाले हो, अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो शायद से मुझे मार देगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं इसे नहीं पूछूंगा। वैसे इसने अपने नाखून इतने बड़े क्यों रखे, इसकी मैडम इसे कुछ नहीं बोलती क्या, या फिर इसकी मम्मी? अरे यार ये बंदा भूत है और ये किसी से नहीं डरता। ओ अच्छा, अगर मुझे भी अपने लंबे लंबे नाखून करने होंगे तो मुझे भी यहाँ पर क्या भूत बनना होगा बहन? हाँ तू कह सकता है कि अगर तू यहाँ पर लंबे लंबे नाखून रखना चाहता है तो तेरे को भूत बनना पड़ेगा, और तुझे पता तो है कि भूत लोग कैसे बनते हैं जब वो मर जाते हैं। ओहो मतलब मुझे मरना पड़ेगा, तू रहन दो ये प्लान कैंसिल करते हैं, मुझे मरना नहीं है, मुझे यहाँ पर अभी ढेर सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है, उसके बाद मुझे यहाँ पर ढेर सारे पैसे कमाने हैं। चलो तूने कुछ तो ढंग की बात करी कि तूने पैसे कमाने का भी सोचा है, नहीं तो तेरी बकवास सुन सुन के मैं तो पागल ही हो गया हूँ। ओहो अब तूने दोस्ती करी है तो मुझे झेलना तो पड़ेगा, वैसे तुम्हें बता दूँ ऐसे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ हाँ मुश्किल से मिलते, जैसे तू मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, जब से मिला है तब से भाई तू मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ओहो मैं क्या करूँ, तुम जब सुपर हीरो हो सुपर हीरो से हर कोई दोस्ती करना चाहेगा, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम कौन सा करेक्टर बना रहे हो, एक मिनट ये तो बेंटन का कोई एलियन है। ओ याद आ गया मुझे, ये कहीं गोस्ट फ्रीक तो नहीं है बहन? हाँ ये गोस्ट फ्रीक ही है, क्यों कैसा लगा? ओहो ये तो काफी ज्यादा डरावना है, खासकर इसके बड़े बड़े नाखून, वो देख के तो मेरी पहले से पेंट गीली होगी है। अब चलो उसे फटाफट से ड्रॉ करना शुरू करते, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी बहन, तुम्हारी ड्राइंग धीरे धीरे कितनी
ज्यादा सुंदर हो रही है। अरे हाँ यार, मैं भी खुद देख के शौक हूँ कि मेरी ड्राइंग वाकई में पहले से तो काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है मेरी ड्राइंग कितनी ज्यादा बढ़िया हो गई है? अगर आपको भी लगता है कि मेरी ड्राइंग काफी ज्यादा बढ़िया है तो भाई बिल्कुल भी मत शर्माओ, वीडियो को फटाफट से लाइक करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि मेरी ड्राइंग में कितना ज्यादा फर्क आया है। वैसे गाइज मुझे तो अपनी ड्राइंग काफी ज्यादा पसंद आई है, आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। फिलहाल भाई यहाँ पर हमारा करेक्टर है वो रेडी हो चुका है, अब बस हम इसको रियल लाइफ में लेके आते हैं। देखते जब ये रियल लाइफ में आएगा तो कितना ज्यादा स्कैरी लगेगा। ओहो मेरे को तो अभी से डर लग रहा है। आजा आजा आजा, ओहो देखो मैंने हमारा करेक्टर आ चुका है। लेकिन बाप रे बाप, ये तो वाकई में कितना ज्यादा डरावना लगता है। अरे इसकी आँख तो देखो कितनी ज्यादा डरावनी है। अरे हाँ यार, तू उसकी आँख की बात कर रहा है, मुझे तो इसका मुँह देख के इतना ज्यादा डर लग रहा है। ऊपर से इसके इतने बड़े बड़े नाखून, यार सिंचाई मेरे को तो इसे डर लग रहा है बात करने में। एक काम क्यों नहीं करता तू, थोड़ा बात करके देख। अरे बहन मुझे भी तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। स्कैरी ग्रैनी तुम बात करो ना, तुम्हारी तो इसे अच्छी खासी बनेगी। हाँ मैं ट्राई करती हूँ। हे गोश्री, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? ओह तो तुम भी मेरी तरह बसुरा तो? हाँ हम दोनों की तो खूब जमेगी। तो क्या गोश्री तुम मुझे अपनी कोई पावर दिखा सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरी पावर देख के तुम घबराना मत। राइट गाइस, तो तुम यहाँ पर रेडी हो जाओ मेरी पावर देखने के लिए। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी बेसिक पावर दिखाता हूँ जिसका नाम है जंप मारना। क्या जंप मारना? ये कितनी साधारण सी पावर है। अरे देखते जाओ, ये देखो मैं कितनी लंबी लंबी जंप मार सकता हूँ। और एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो मैं हवा में धुआं बन सकता हूँ। अब किसी को भी मैं दिखूंगा नहीं और यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कितना ज्यादा कूल है। इससे तो तुम यहाँ से वहाँ कितनी आसानी से जा सकते हो। हाँ यहाँ से वहाँ मैं बहुत ही आसानी से जा सकता हूँ। एक मिनट में तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें एक मजे की पावर दिखाता हूँ, लेकिन वो पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। ओह खतरनाक पावर देखने का तो मजा ही कुछ हो रहा है। तो दिखाओ ना कौन सी खतरनाक पावर है तुम्हारे पास। लेकिन उससे तुम सबको चोट भी लग सकती है। ओह हम नहीं डरते, तुम जो मर्जी करो, बस तुम्हें हमें पावर दिखाते जाओ। तो ठीक है तुम सब अभी रेडी हो जाओ, क्योंकि जो चीज मैं दिखाने वाला हूँ आज से पहले तुमने कभी भी नहीं देखी होगी। ओहो तो हम सब तो रेडी है, दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। तो ठीक है दोस्तों, सब अपनी कमर को कस लो, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ जो होने वाला है तुमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। देखा क्या किया मैंने? अरे तुम हमें खींच के कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी ये वाली पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे लगा कि तुम हमें खाने वाले हो। हाँ बिल्कुल दोस्तों, देखो मैं तुम्हें पलक झपकते ही अपने पास ले आऊंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। देखा अब तुम बस दोनों के दोनों बचे हुए हो। अबे तू तो हमें खा रहा है। अरे यम्मी यम्मी, तुम सबके खा के तो मजा ही आ गया, खासकर वो बड़े हल्क को, उसे खा के तो मेरा पेट ही भर गया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे लाइक करके बता सकते हो, साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हो कि आपको मैं कैसा लगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको ऐसी मजेदार वीडियो देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसको दबाना पड़ेगा ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपको मिलती जाए, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।